सर सेप्पा टाउन में डस्टबिन फेंकने का जो प्रॉब्लम बहुत ही दिखाई दे रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भी इश्यूज बहुत सारा है, तो उसमें आपको क्या बोलना चाहोगे? सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बारे में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा सेप्पा टाउनशिप के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेटअप करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट कैन हैपन इन दैट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। और इसके लिए पूरा अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे टाउनशिप एरियाज है वहाँ पे सरकार ने ऑलरेडी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सैंक्शन किया है और वो मटेरियल रिकवरी कंस्ट्रक्शन भी 99% कंप्लीट हो गया है। बट लेकिन लास्ट इट्स नॉट जस्ट इन द लास्ट 1 or 2 years, बहुत साल से जहाँ पे MRF हमने सेटअप किया है वहाँ का आसपास का विलेजेस ऑलरेडी हैव रेज्ड कंसर्न्स की दैट उन लोग का गाय और उन लोग का बच्चा लोग, बिकॉज देर इज नो फेंसिंग, गाय और बच्चा लोग ऐसा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और जहाँ पे डंपिंग चल रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, वो गाय भी वो कचरा को खा रहे हैं, बोल के दे हैव रेज्ड सर्टेन जेन्युइन कंसर्न्स। सो वो जेन्युइन कंसर्न्स को लेके हमने ये एश्योरेंस दिया है कि कंपल्सरी वहाँ पे बाउंड्री वॉल हम सेटअप करेंगे बोल के। बट एज पर द गिवन MRF का DPR के हिसाब से देर इज नो बाउंड्री वॉल इन द MRF। हाउएवर वो MRF को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमारा टीम ईस्ट कामेंग पूरा मदद दिया है, चारों MLAs मिलके 10-10 लाख अपने MLA लैड से दिया है और मेरा DC अनटाइड फंड्स और डिस्ट्रिक्ट फंड से भी 20 लाख हमने दे दिया है। टोटल 60 लाख एडिशनल फंड वी हैव गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोच रोड। बट टू फुल्ली ऑपरेशनलाइज दैट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वी नीड अ फेंसिंग वॉल एंड वी नीड सम बेसिक इक्विपमेंट, जैसे JCB होता है वो ऐसा कुछ बेसिक इक्विपमेंट हमको चाहिए। और ये बेसिक इक्विपमेंट को लेके मई 11 तारीख को मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि दैट ये जल्दी सैंक्शन करने से हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। यस्टरडे ऑल्सो मैं चीफ इंजीनियर से मैंने बात किया है और दे हैव डिस्कस्ड एंड दे आर कमिंग अप विथ सम सोल्यूशन और होपफुली जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम फेंसिंग का काम कंप्लीट करके मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए वी आर ट्राइंग ऑल द एफर्ट्स एंड होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट एट द अर्लीस्ट। सो टेम्पररी मैकेनिज्म हम ये सोच रहे हैं कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू द फेंसिंग फॉर द एंटायर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, फॉर द टाइम बींग वॉट वी आर प्लानिंग इज की दैट वी विल क्रिएट अ सैनिटरी लैंडफिल साइट एंड वी विल फेंस ओनली दैट सैनिटरी लैंडफिल साइट, जिससे थोड़ा सा चैनलिंग फेंसिंग का कॉस्ट भी कम पड़ेगा और टेम्पररी कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन हमको मिलेगा एटलीस्ट टू डिस्पोज द एग्जिस्टिंग सॉलिड वेस्ट इन अ साइंटिफिक वे। बट द लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन वुड बी दैट वी हैव अ प्रॉपर बाउंड्री वॉल और फेंसिंग, चैनलिंग फेंसिंग एंड वी हैव द फुल एडिक्वेट इक्विपमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, क्योंकि वो जो सॉलिड वेस्ट हमको मिलता है उसमें भी बहुत यूजफुल चीज होता है, जैसे मेटल पार्ट्स हो सकता है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकता है एंड प्लास्टिक वेस्ट का भी बहुत यूज है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर जैसा कन्वर्ट कर सकता है। सो दीज एक्टिविटीज हैव टू टेकन अप टू बी टेकन अप इन द MRF फैसिलिटी और उसके लिए वहां पे इक्विपमेंट चाहिए। बट फॉर द टाइम बींग इमीडिएटली टेम्पररी फिक्स दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज की दैट वी विल क्रिएट अ स्मॉल लैंड सैनिटरी लैंडफिल साइट एंड उसी को हम फेंसिंग करके रखेंगे सो दैट गाय या कोई बाहर से उसको अंदर नहीं जाएंगे। गांव में पूरा जो उनका घर में मक्खी वगैरह सब आ जाता था, तो उसके लिए क्या सलूशन? सो मक्खी वगैरह इसलिए आता है कि जब हम ओपन डंपिंग करते हैं, तो शुरू में जब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी नहीं था उस समय ओपन डंपिंग किया है, तो ओपन डंपिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स आता है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ओनली टू थिंग्स, वन इज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, द सेकेंड वन इज सैनिटरी लैंडफिल साइट। सैनिटरी लैंडफिल साइट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ डिस्पोजिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज नॉट जस्ट लाइक ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में हम उसको कुछ भी नहीं करते, एक जगह में आके फेंकता है, बट लेकिन सैनिटरी लैंडफिल साइट में हम वी विल डिग अ सैनिटरी लैंडफिल, मतलब वी विल मेक अ डिग, वी विल डिग आउट द सॉइल एंड उसमें हम सॉलिड वेस्ट को डाल के उसके उसको हम अच्छा से सॉइल से कवर करते हैं, तो उसका वजह से मक्खी मच्छर नहीं आएगा और गंदा स्मेल भी नहीं आएगा। दैट इज व्हाट इज सैनिटरी लैंडफिल साइट। सर रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया में हमने देखा था डोडा का जो बसेस है डस्टबिन फेंकने वाला, कचरा फेंकने वाला, वो कमिंग रिवर में भी ये जो ब्रिज के सामने में, मिशन सोलन ब्रिज के सामने में कचरा फेंक रहा था, तो उसमें आपका क्या?
उसका ऊपर ऑलरेडी हमने कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, उसके ऊपर कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने ऑलरेडी शोकॉज नोटिस दे दिया है और उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया है और वो रिपोर्ट को हम सेक्रेटरी मैडम को भी फॉरवर्ड करेंगे। सर वो किसके ऑर्डर पे वो वहाँ पे था? आई डोंट नो, इट इज आई थिंक ऑन हिज ओन ही हैज। थैंक यू सर।